कहाँ चले गए थे कविराज? बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने गया। बन गई तुम्हारी तकदीर? जी हाँ, अब इसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब पतंगा दीप से कभी अलग नहीं किया जाएगा। कहाँ है तुम्हारा दीप? पतंगे के मुंह में जबान नहीं होती, वो देख सकता है, बोल नहीं सकता। डॉक्टर साहब ने मेरी मोहब्बत को तबाही से बचा लिया, भगवान करे उनकी मोहब्बत भी कामयाब। जानते हो कविराज, वो किससे मोहब्बत करते हैं? मैं जानने की जरूरत नहीं समझता, बस दिल से यही दुआ है कि उनका जोड़ा सलामत रहे। तुम ये सुनकर और खुश होगे कि मेरी और किशोर बाबू की शादी होने वाली है और हम बहुत जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे। क्या कहा आपने? हमारी जिंदगी का सुहाना दिन बहुत जल्द आने वाला है। तुम्हारी जिंदगी का सुहाना दिन कब आएगा? वो तो आकर चला भी गया, अब शायद कभी ना आएगा। अभी तो कुछ और कह रहे थे। मजाक कर रहा था। जिनकी किस्मत में खुशी नहीं होती वो इसी तरह अपना दिल बहला लिया करते हैं। तुम जिसके लिए तड़पते हो क्या वो तुम्हारे लिए नहीं तड़पती? पत्थर कभी नहीं तड़पा करते। बड़ी संग दिल है। थी नहीं, हो गई। किसी दिन मुझे दिखाना। आप तो उसे रोज ही देखती हैं, वो इस वक्त भी आपके सामने ही है। मेरे सामने तो मेरी तस्वीर है। वो भी एक ऐसी ही तस्वीर है। मगर वो है कहाँ? पहले वो मेरे दिल में रोशनी बनकर आई थी, अब आंखों में आंसू बनकर रहती है। जब ही तुम्हारे गीतों में इतना दर्द है, आज भी अपनी मोहब्बत का कोई नया गीत सुनाओ। कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबाद रहे, मेरी कहानी तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी बर्बाद रहे, मेरी कहानी। मगर मेरा दर्द कोई ना जान सका, ना जान सका। एक तेरा सहारा था दिल को, एक तेरा सहारा था, तू भी न मुझे पहचान सका, तू भी न मुझे पहचान सका। बचपन के वो गीत पुराने आज तुझे ना याद रहे, मेरी कहानी। अपना फसाना कह न सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही। लो आज किनारे पर आके अरमान
जानों की कश्ती डूब गई। किस्मत को मंजूर यही था लपे मेरे फरियाद रहे मेरी कहानी, मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबाद रहे। डॉक्टर साहब, कविराज, इस वक्त कैसे आए? आपका शुक्रिया अदा करने, आपने मेरी दुनिया ही बदल दी है। मुझे वो चीज दी जो दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। जो अपनी दुनिया दूसरे को दे दे वो इंसान नहीं देवता है। एक दान आपसे और मांगने आया, वादा कीजिए कि मायूस नहीं करेंगे। कहो। डॉक्टर साहब, मुझे मेरा अंधापन वापस कर दीजिए। मैं शराफत की बाजी हार के मोहब्बत की बाजी जीतना नहीं चाहता। तुम भूल रहे हो कविराज, तुम्हारी आंखें मेरे तजुर्बे का ताजमहल है। मगर इस ताजमहल में इंसानियत का फर्ज दफन हो गया है। इसे ढाना नहीं होगा, इसे मिटा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ताजमहल बार बार नहीं बना करता। इस वक्त जाओ, मैं कल तुमसे बात करूंगा। मगर डॉक्टर साहब, ना करो शामों, मेरा काम अधूरा रह जाएगा। बात को अच्छी तरह समझते हुए कि मैं एक लड़की का बाप हूं, जो कुछ पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब दो। मैं आपसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं समझता। तुम माला से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं? माला राजकुमारी है और तुम उसकी ड्यूड़ी के भिखारी। भिखारी होकर राजकुमारी का दामन छूने की कोशिश न करो, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे। आपने सजा कम बताई। हवस ने तुम्हें पागल कर दिया है, लेकिन ये सोच लो कि माला की शादी होने वाली है और तुम खुशी के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए हो। जिसने तुम्हें रोशनी दी तुम उसकी मांग का सिंदूर नोचना चाहते हो। जिसने तुम्हें दुनिया दिखाई तुम उसका घर बर्बाद करने आए हो। क्या इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ इंसानियत का सलूक किया था? इस एहसान का बदला किस चीज से उतारा जा सकता है? ये रुपया है और ये रिवाल्वर। या तो रुपया लो और यहां से दूर चले जाओ, या रिवाल्वर उठाओ और मुझे हलाक कर दो। दो में से एक चुन लो अपने लिए। ये रुपया लो, यहां से दूर चले जाओ, ये रिवाल्वर लो और आपको हलाक कर। हाँ, या तो मेरे रास्ते से हट जाओ या मुझे अपने रास्ते से हटा दो। मोहब्बत सुन सहना जानती है, सुन करना नहीं जानती। आप ये चीजें अपने पास रखिए और आपकी ख्वाहिश के बगैर भी पूरी हो जाएगी।